हेलो दोस्तों, जो कोकून से ड्राई किया कर लिया जाता है उसको किस तरह से रखा जाता है यही आपको हम दिखा रहे हैं। एक कोकून को पहले आपका ड्राई करके उसको एक जगह में जमा करके आपको उसमें बस्ता बस्ता करके आपका पैक करके फिर इसको स्टोर में रख दिया जाता है। यानी गर्म स्टोर होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का आपका पानी का कोई कंडीशन ना हो उसके अंदर, यानी पूरा सूखा होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो लार्वा रहता है बिल्कुल सूखा रहता है। अगर उसमें अगर थोड़ा भी पानी लग गया तो वो सड़ने लग जाता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो कुकुंस को भी ख़राब कर देता है। इसलिए ये लोग पहले इसको अच्छा से आपका धूप लगाते हैं। धूप लगाने के बाद जब पूरी तरीक़े से आपका कुकुंस सबका सूख के तैयार हो जाता है, उसी वक्त ये सब बस्ता में पैक करके ये सबको गर्म स्टोर में, यानी अपने घर का है वो हिस्सा जहाँ पर बिल्कुल पानी ना हो और घर बिल्कुल वो गर्म हो, यानी वो कमरा बिल्कुल गर्म हो, वो सब में आपको कोकून्स को रख दिया जाता है। और एक तरफ से बाहर निकाल के फिर उसको रोलिंग मशीन में देके आपका उससे धागा निकाला जाता है। तो इस तरह से अगर आपका कोकून्स रखते हैं तो एक साल दो साल तक आप आराम से रख सकते हैं। लेकिन ज़रा भी अगर आपका पानी का खतरा हो तो फिर आपको उसको आपका एक महीने के अंदर ही ख़त्म करना होगा। ये आपका नागपुर का आपका कोकून से, नागपुर से आपका ये लेके आए हैं। अभी का जो रेट है वो लगभग आपका 25-26 हज़ार रुपया पर आपका मन, यानी 40 किलो का 25-26 हज़ार, और ये सूख के आपका 13-13.5 किलो हो जाता है, यानी 13 किलो ही समझिए, 13 किलो आपका होगा। उससे आपका धागा जो निकलेगा वो लगभग आपका 5 किलो 800 ग्राम से आपका 7 किलो तक आपका निकल सकता है। 7 किलो के ऊपर अभी तक नहीं गया है, लेकिन आपका 7 किलो तक निकल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये बिजनेस करना हो तो आप लोग जहाँ जहाँ कोकून मिलता है वहाँ से आप कोकून्स ख़रीद के आप ये व्यवसाय कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।